संजू, कोमल अभी भी जिंदा है। हाँ। क्या? हाँ। क्या कहा? मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या कह रही हो? संजू, मैंने उसे देखा है, वो रास्ता पार कर रही थी तभी मेरी अचानक से उस पर नजर पड़ी। आकांक्षा, कोमल कैसी दिखती थी तुम्हें नहीं पता, मुझे यकीन है तुमने किसी और को देखा होगा। यकीन करो, वो कोमल ही थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, कोमल अभी भी जिंदा है। जिस कोमल के लिए तुम पल पल मरते रहते हो, वो कोमल अब भी जिंदा है संजू। अरे, मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और तुम बुत बने खड़े हो। नो नो नो, शॉक लगाना, तुम्हारे मंगेतर ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या कहा? मैं तुम्हारे मंगेतर की वजह से यहाँ आया हूँ। I thought your boss would be here. Bad luck. तुम्हारा मेरे मंगेतर से क्या लेना देना है? मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। बस मेरे खेल का एक मोहरा हो। मैं मोहरा? तुम साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, मेरे बारे में सब जानती हो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे रूम में तुम्हें जो डायरी मिली थी वो भी मेरे खेल की एक चाल थी। प्यार में पागल हो जाओ। तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहूं सिर्फ मैं। उसका काम तमाम हो गया। मेरे बारे में भूल जा, तू बस अपने बारे में सोच। तू कौन है बे? अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाए ना तो उससे पूछ लेना, तू जान जाएगा तेरा पाला किससे पड़ा है। तेरी मंगेतर को मुझसे डीप लव हो गया है, सुहागरात मनाना चाहती है, वो भी शादी से पहले। संजू, शादी के लिए मैं हाँ कर दूं ना तो लड़की के साथ साथ पैसों पर भी मेरा हक होगा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ किया। क्यों? कोमल की मौत के बारे में मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हमारे माँ बाप हमारे शादी के ढेर सारे अरमान लेकर आए थे, कोमल की हालत उनसे देखी नहीं गई। ओ माय गॉड, देखा आपने, उन गुंडों के पाप की सजा मेरी मासूम बेटी भुगत रही है। शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं मिस्टर चौधरी को अच्छे से जानता हूं, उससे बात करता हूं। कहो जवान। सर, कुछ गुंडे समुद्र किनारे किसी का मर्डर कर रहे थे और मेरी होने वाली बहू कोमल ने उसका वीडियो गलती से उतार लिया। अब उन गुंडों ने कोमल पर जानलेवा हमला कर दिया, उसे अभी तक जान का खतरा है, आप कुछ कीजिए प्लीज। हाँ, मैं देखता हूँ जवान। थैंक यू सर। फोन उठा। हे शंकर, उनके पास वो वीडियो है जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। जो करना है करो, लेकिन वो सबूत मिटाओ, खत्म करो सारे सबूत। Papa! Papa!
अब सिर्फ मैं और कोमल जिंदा हैं, और अगर मैं जिंदा हूं तो वो भी सिर्फ उसकी वजह से। हमारे मां बाप के उस कातिल को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिए। तुम्हारे बाप ने देश के साथ गद्दारी की है। उसने कितने अरबों रुपयों को इंडिया से बाहर भिजवाया ये तुम जानती तक नहीं हो। पैसों की खातिर वो तुम्हारी शादी उस शंकर से करवाएगा, यही उसका प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लिए मैं पूरा तेज भी बेच दूंगा। अगर तुमने साथ दिया तो अपनी बेटी की शादी भी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। और यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में तुम्हारी सगाई भी करवाई थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? प्यार की वजह से नहीं आकांक्षा, सिर्फ पैसों के लिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम्हारे बाप ने बिना किसी को बताए चुपचाप तुम्हारी सगाई पेरिस में करवा दी। मैं वहां भी आया था लेकिन वो मुझसे बच गया। हर हफ्ते किसी नए देश में जाकर छुपता है। मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए और इसीलिए मैंने तुम्हें टारगेट बनाया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था और उस दिन ट्रेन में मुझे उसके आदमी से उसका नंबर मिला। उसे हमारी फोटोज फैक्स करके मैंने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया। कहा था ना वो जिंदा है? कहा था ना मैंने? अब तुम्हारा मंगेतर सब छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दौलत के लिए। तो कोमल की डायरी भी नकली थी? वो डायरी बिल्कुल सच्ची है, उसमें लिखी कहानी भी, मेरा और कोमल का प्यार भी, और मेरा बदला भी। कोमल कहाँ है? Hi. What? ये है तुम्हारा होने वाला देवर, बेचारा सगाई में नहीं आ पाया, आज मिल लो। हेलो मैडम, ऐसे हेलो वेलो से कुछ नहीं होगा, बेचारा कोमा में है ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उठ बे, तेरी भाभी मिलने आई है। उठ साले। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका इलाज करता हूँ। पैसे कहाँ हैं? बोल ना कि फिर से इलाज करूँ तेरा, सांप सूंघ गया क्या? पैसे कहाँ हैं? ए, गौर से देख इसे, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दे कि पैसे कहाँ रखे, वरना बिना टिकट सीधा ऊपर जाएगा। मरना है या जीना है? नहीं नहीं, मैं बता दूँ
दिस इज संजू चौहान। मैं तेरी मंगेतर और तेरे भाई को लेकर जा रहा हूँ जहाँ पैसे रखे हैं। चाहते क्या? मेरा शिकार सिर्फ तू है। जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड ले आए आ जाना। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तू और मैं अकेले हैं। मैं जो चाहूँ तेरे साथ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू? तेरा खून कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है? मार। Open it up. से इंतजार था। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। खुद को समझता क्या है? क्या करेगा तू? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। क्यों रहा है तू? हाँ, तूने मेरे परिवार के सारे कातिलों को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। आई लव यू। थैंक यू शंकर। तुम ही थे ना वो जिसने मेरे परिवार की हत्या की? बताओ तुम में से कौन कौन था? छोटे जल्दी बता पैसे कहाँ हैं? पैसा क्या फाड़ में, पहले उसे खत्म करते हैं। गाई मेरे साथ।
और रंग रलिया उसके साथ। मारना है तो उसे मारो, भाभी को क्यों मार रहे हो? काहे की भाभी, ये साली मुझे छोड़ के उसके प्यार में पागल हो रही थी। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तुझे तो मैं संजू मार दो उन्हें। किसी को भी मत छोड़ना संजू। पैसे कहाँ है? चलो ए छोटे, ए ए मनी, जल्दी बता। अब कोई बात नहीं होगी। सुना तूने? मैं नहीं बताऊंगा पैसे कहां है। मैं इसको ठोक डालूंगा। अच्छा, बॉम्ब से डरा रही है मुझे? चलेगा, हम सब साथ साथ मरेंगे। संजू, मेरे मरने का काम मत करना। जाओ यहां से। Please save me. चल ऊपर आ जा। Thank you so much, man. Thank you. मैंने तेरी जिंदगी इसलिए बचाई है क्योंकि मैं खुद तुझे मारना चाहता हूँ।
चल अब बता क्या बात करना चाहता था तू। बोलना बे।